गुड मॉर्निंग। अभी हम उठ गए, नहा लिए और अब हम देखिए सुबह सुबह हम यहाँ आए तो देखो शबनम पर लगी हुई है, तो लगा कि बारिश होगी। बाहर बारिश तो नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर सुबह सुबह। और अभी हम कल का हमने सोचा है कि कल जो हम 3 4 जगहें आपको दिखाई थी हमने, तो अभी हम उसको सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम 5 6 जगह जाएंगे और आपको दिखाते हैं। अच्छी अच्छी जगहें हैं, आपको उसी टाइम बताएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक बाय एक करके जाएंगे। तो आज आपको दिन में हम स्ट्रीट फूड भी बोला था किसी ने, वहाँ खा लेना। तो देखते हैं, वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे राजस्थानी का फूड कैसा है, हम भी टेस्ट करेंगे और आप भी टेस्ट कर लेना। तो चलिए अभी हम नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, बूफे वहाँ लगा होगा तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो उसके बाद हम निकलेंगे, डायरेक्ट वहीं मिलते हैं पहले स्पॉट पे। चलिए तो अभी हम बूफे करेंगे यहाँ पर, यहाँ बूफे सिस्टम है। तो ये देखिए यहाँ का व्यू। यहाँ पे भटूरे हैं, सांबर है, छोले, ढोकला, पोहा, ब्रेड, पोहा लोगे क्या? अच्छा चलो यार, मैं सोच रहा हूँ वो ले लूँगा, पूरी छोले, छोले भटूरे। ले तो मैंने छोले भटूरे लिए और दही, और इसने भी छोले भटूरे पोहा। तो अभी देखते हैं और भी है, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स वो ले लेंगे बाद में, वहाँ भी है कॉर्नफ्लेक्स, सब कुछ है। तो एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम नाश्ता करके हम निकलते हैं, फिर हम हमको जहाँ जहाँ जाना है वो हम फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, वेलकम। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक गणेश भगवान जी का मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं। मैंने जिद की कि जाना है, मैंने कहा चलिए, तो यहाँ से देखिए, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। कौन सा है ये? हाँ ये है गिटोर। अच्छा, एक गिटोर है, उसके बाद यहाँ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी राजाओं की सिमेट्री बनाई गई थी, अच्छा आर्किटेक्चुरल है, डिजाइन जी, बढ़िया है। तो ये साथ में ही है यहाँ पर, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। जितो दे बैठ जाते हैं ओह वहां पर, एनर्जी तो मिलती है। ओह, अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है इतनी, तो आपको दिखाते हैं फिर मंदिर। देखिए आइए आइए, चढ़िए चढ़िए जल्दी। अभी भी ये देखिए वो ऊपर, रहने दे। अरे चल, यहाँ से क्या दिख रहा है व्यू? हाँ, जयपुर का बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, कैसा लग रहा है भैया? जिम विम करो तब आओ यहाँ पे। चलो साथ में भूल गई, आइए। रहने दिया चिंकी, हैं ऐसे प्ले होता। ये देखिए टाइम टाइम फिश। तो हार मान ली तो
अभी हम यहाँ से नमस्कार करते हैं गणेश भगवान जी को और हम निकलते हैं वापस। उसके बाद वहाँ उस जो दिख रहा है आपको वहाँ जाएंगे। पहला पॉइंट है, क्या जगह का नाम बताया था? गिट्टौर। गिट्टौर है ये, गिट्टौर सेमेट्री। हाँ, गिट्टौर सेमेट्री, जहाँ पर राजाओं को दफनाया गया था। गया था जो जो है यहाँ उनके टूम्स जो बनाए थे। हाँ। वो बड़े अलग अलग आर्किटेक्चरल डिजाइन के साथ बनाए गए थे। तो अभी हम बस वहाँ जाएंगे। ये था कि सुबह सुबह पहली चीज मंदिर ना देखें और सीधे शमशान घाट चले जाएं तो सही नहीं लगा। अच्छा, चलो कुछ नहीं, आधा ही सही, लेकिन मंदिर की सीढ़ियां तो चढ़े। हाँ चलिए, चलते हैं, हम उतरते हैं वापस और फिर वहाँ पहुँचते हैं। अभी हम पहुँचे हैं गिट्टौर की छतरियाँ, तो चलिए थोड़ा बताएंगे यहाँ के क्या है ये यहाँ पर। आने वाला आया नहीं, आया नहीं आप यहाँ काम करते, आपको पता नहीं यहाँ का ये क्या है? टिकट काटने का काम है, टिकट काटते हैं जय राम जी। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये दूसरा है, यहाँ पर भी ये जो है ना, ये एक फैमिली है जिनके सब पीढ़ी दर पीढ़ी के जो राजा रहे हैं। हाँ हाँ। सबको यहीं दफनाया गया है। यहाँ पे दो टाइप की सेमेट्रीज बनी थी, एक जहाँ पे सिर्फ राजाओं को दफनाते थे और एक जहाँ पे सिर्फ रानियों को दफनाया जाता था। तो अभी जहाँ हम हैं गिट्टौर की छतरियों में, यहाँ पे सिर्फ राजाओं को दफनाया जाता था। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी दिख रही है अभी तक। यहाँ बहुत बड़ा राजा होगा, बहुत बड़ा ये महल जैसा बनाया है, उसका ही होगा। ये उनका टूम्ब है। आगे ये देखिए, ये एक और है, इसके साथ में दूसरा किया गया है। तो ऐसे छोटे बड़े अलग अलग टाइप की सब सिमेट्रीज बनाई गई हैं। हाँ चलिए यहाँ से आइए। हाँ, एक छोटा सा मंदिर भी है इसी यहाँ पर, है ना? तो ये बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा है। चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं। और ये तो देखिए, हमने आपको भी देखा होगा आपने कैसा है। तो अभी नेक्स्ट जगह चलते हैं जयपुर की, और वहाँ मिलते हैं आपसे। तो एक एक करके आपको हम हर एक जितने भी जगहें हैं जयपुर के आपको दिखा रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाएंगे, देखेंगे और आइडिया लगता है कि क्या क्या हमारे पहले मुगल टाइम में क्या क्या थे चीज़ें, और किस तरह से इन्होंने बनाया था। तो अगर आप देखेंगे, एक और बहुत ही मतलब ऐसे अब दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़। तो ये देखिए, ये है जाने का ऊपर का रास्ता, वो ऊपर ऊपर भी एक नजफगढ़ फोर्ट है कोई, है ना? नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट, हाँ। यहाँ से जाते थे, ये दरवाज़ा था इसका, यहाँ से निकल के सीधा ऊपर जाते थे। अब ये टूट गया है बीच में, मैंने आपको दिखेगा नहीं एक्चुअली, यहाँ से बीच में रास्ता सीढ़ियाँ टूटी हुई है। तो ये हमारे साथ शाहरुख जी है, जो हमारे साथ गाइड भी है, सब कुछ है। हमें पूरा इन्होंने जयपुर का जहाँ जहाँ प्लेसेस थे वो दिखाए। तो थोड़ा ये आज अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ये आमिर फोर्ट, आमिर फोर्ट पहुँचे हैं। तो ये देखिए आमिर फोर्ट है, थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम अंदर जाएंगे तो ये है जयगढ़ फोर्ट। तो इसके बारे में थोड़ा ये बताएंगे हमें कि ये क्या था सर। ये आमेर फोर्ट और आमेर का किला, आमेर फोर्ट इसको नाम दिया है ब्रिटिश कंपनी ने, जो अंग्रेज लोग कहते हैं आमेर फोर्ट, वो इंग्लिश में नाम है, और राजस्थानी लैंग्वेज में कहते हैं तो आमेर का किला। ये आमेर का किला है और ये जयगढ़ का किला है। जयपुर में तीन किले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, पहला है आमेर का, दूसरा जयगढ़, तीसरा नारगढ़। आमेर का जो किला है ये रॉयल फैमिली हाउस है। उस जमाने में राजा अपने परिवार के साथ 300 लोगों के साथ इसमें रहा करता था। उनके बहुत बड़े परिवार होते, बच्चे,
जैसे कहें कि अपने बहुत सारे के भाई ब्रदर सब एक साथ रहा करते थे। जेगर फोर्ट के अंदर एक सबसे बड़ी दुनिया की तोप रखी हुई है, अच्छा, जिसको 17 से 20 हाथियों के द्वारा ऊपर खिंचवाया गया था। अच्छा, मतलब एक जो तोप है, हाँ हाँ हाँ, 17 से 30 हाथियों का, 20 हाथियों, मतलब आप खुद सोच लीजिए कितना बड़ा वो तोप है, वजन है उसका कितना बड़ा, वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहलाती है। उसको जब 1947 में चलाया गया था पहली बार, तो उसका जो गोला है यहाँ से पहली बार उसको चलाया गया था, जिन लोगों ने उसको चलाया था यहाँ से 35 किलोमीटर एक गांव है जिसका नाम है चाकसू, अच्छा, वहां पे जाके उसका गोला गिरा था। गोला गिरने के बाद वहां पे बहुत बड़ा एक तालाब बन गया था, तालाब बनने का, और जिन्होंने उसको चलाया था, जो लोग चलाए थे, इसकी वाइब्रेशन की वजह से उन सभी लोगों की मौत हो गई थी, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर इतनी तेज आवाज थी और इतनी ज्यादा एनर्जी थी, जिसकी वजह से फर्स्ट पहली बार ही चलाया था, पहली बार चलाने वाले सभी खत्म हो गए थे, मजदूर जिन्होंने सप्लाई को चलाया था। राजा इस महल में अपने परिवार के साथ रहता था, और इस महल से, जयगढ़ के महल से बीच में एक सुरंग बनी हुई है जो साथ में जुड़ी हुई है, अच्छा, और ये आमेर का किला 1000 साल पुराना किला है, ठीक है। ये आमेर का किला से पहले ये जयगढ़ और नारगढ़ बने हुए थे, हाँ। और इसे एक तरह से अकबर का ससुराल भी कह सकते हैं, कि अकबर इस, और ये जो पानी आप देख रहे हैं, और वहां पे सामने वो गार्डन बना हुआ है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जोधा जी थी, हाँ। वो सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे इस गार्डन में आ जाया करती थी, यहाँ पे बैठकर वो धूप में बैठा करती थी, और शाम के वक्त यहाँ पे बहुत बड़ा दीप जला करता था, अच्छा। उस दीप की रोशनी से अकबर उसे वहां से सामने एक अकबर मस्जिद बनी हुई है उसकी मीनार पे चढ़कर उसको देखा करता था, उसको देखने से, उसको देखते ही उससे उससे मोहब्बत हो गई थी। इसलिए ये देखिए, ये वही सीढ़ियां हैं जहाँ भूल भुलैया पिक्चर में राजपाल यादव बैठा था यहीं पे, वो एक डायलॉग भी बोलता है, और गुड़िया कहाँ जा रही हो, अच्छा, हाँ ये वही सीढ़ियां है। चलिए अभी आगे देखते हैं, पन्ना मीना कुंड चलते हैं। माय है पन्ना मीना कुंड, तो आप बताइए, सबसे पहले मोस्ट वेलकम आपका आमेर पैलेस के अंदर। ये जो पैलेस है 400 इयर्स ओल्ड है, जो हम लोग जाएंगे अभी हम नीचे की तरफ है। ये जो नीचे है ये पन्ना मीना की कुंड की बावड़ी है। राजस्थान के अंदर यहाँ पे कुएं, बावड़ी, तालाब इस तरीके से हुआ करते हैं। ये एक स्टेपवेल बना हुआ है राजाओं के टाइम का, उस टाइम का ये स्पेशल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए काम किया करते थे। जितना लेवल पानी का होता था उस नीचे जाके और पानी लेके आ जाते थे, अच्छा। और ये पूजा पाठ के लिए हुआ करते थे, ये हवन के लिए। इसके इसकी जो डीप है 80 फीट डीप है, और जो ये स्टेप देख रहे हैं 800 स्टेप्स हैं, और ऊपर पहाड़ी पे देखेंगे आप लोग, ये बाउंड्री है, पीछे भी दिखा सकते हैं आप लोग, ऊपर दिखाइए, बोल रहे हैं बाउंड्री इस साइड कहाँ पर, ये बाउंड्री जो देख रहे हैं इस तरीके की, वो पीछे जो बाउंड्री है दुनिया की 3rd नंबर के लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल है। फर्स्ट है ग्रेट ऑफ चाइना, सेकंड है कुंभलगढ़, थर्ड है आमेर की जो 12 किलोमीटर की है। तो ये यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया है ये, अभी इसका यूज़ नहीं होता स्टेप वेल का। अभी क्या है, घर घर के अंदर यहाँ पे बोरवेल सिस्टम है, इस वजह से ये क्या है कि अभी एक टूरिस्ट अपना फोटो लेते हैं। और यहाँ अभी हम ये मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है ये, जो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये पूरा एक ही इस तरीके का मंदिर है, इसका आर्ट देख सकते हैं आप लोग, कलाकृति देख सकते हैं यहाँ का। हाँ ना सरीदा, तो ये देखिए, हाँ क्या है, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर अम्बेर। हाँ तो आप ये पॉज कर, राजा मान सिंह जी की प्रथम जो पत्नी थी कनकावती, उसके पुत्र की जगत सिंह की याद में इसको मंदिर को बनवाया गया था, अच्छा। स्पेशल ये जो जाना जाता है इसका आर्टिस्ट आर्ट देख के देख सकते हैं कितना बारीकी से इसके अंदर चारों तरफ से काम किया हुआ है, और अंदर भी आप लोग जाके देख सकते हैं, और मीरा और कृष्ण की मूर्ति है इसके अंदर, और वो देख सकते हैं आप लोग। मीरा और कृष्ण की जो मूर्ति है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई मंदिर नहीं है, अंदर जाके देख सकते हैं कितना सुंदर है, कृष्ण और राधा है, मीरा नहीं है जी। तो ये एक, ये देखिए ये मंदिर है, अभी अंदर तो बंद रखा है, पर्दा लगा हुआ है। अभी ये पर्दा खोलेंगे, देखिए भोग लगेगा और फिर ये खोलेंगे। Thank you.
खम्मा गनी विच मीन्स वेलकम टू राजस्थान। ठीक है, आप जो जगह अभी आए हैं ये ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, पुराना जयपुर, ओल्ड टाउन है, ये पुराना जयपुर है। पिंक सिटी आपने विजिट किया होगा, पिंक सिटी न्यू जयपुर है जो बना 1727 में। यहाँ के जो राजा थे जयसिंह जी, उन्होंने 1727 में जयपुर शहर को बनाया था। उससे पहले जयपुर के जो भी राजा हुए वो इसी के अंदर रहते थे, आमेर के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर। अब यहाँ पे जो भी राजा हुए सूर्यवंशी राजा हुए। राम जी के दो बेटे थे लव और कुश। कुश की जो फैमिली से जो भी राजा बने वो जयपुर के राजा हुए, आमेर के। सेकंड कैपिटल उन्होंने जयपुर शहर को शिफ्ट हो गए 1727 में स्टार्ट किया, और 1734 में जयपुर की रॉयल फैमिली सिटी पैलेस के अंदर शिफ्ट हो गई, जो आज भी वहीं पे रहती है। सामने आप देख रहे हैं जयगढ़ फोर्ट, वो राजा की आर्मी का होता था। सामने आप देख रहे हैं टू फ्लैग्स लगे हुए ऊपर, उसका मतलब है जयपुर के राजा भी जयपुर के अंदर है। अगर वहाँ पे दो फ्लैग्स लगे हुए हैं इसका मतलब है जयपुर के राजा जयपुर के अंदर है। अगर एक फ्लैग हट गया तो जयपुर के राजा जयपुर के बाहर है। उन फ्लैग से हम पता लगा सकते हैं अभी जयपुर के राजा जयपुर के अंदर है या नहीं है। इसलिए अभी वहाँ पे दो लगे हुए हैं तो इसलिए जयपुर के राजा भी जयपुर के अंदर ही है। ये फ्लैग इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि जयगढ़ फोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, जयपुर के अंदर दो जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक जयगढ़ फोर्ट, एक सिटी पैलेस। वहाँ पे आपको ये दो झंडे जरूर दिखेंगे। यहाँ भी यही सेम टिकट है जो हमने कल जो दिखाया था आपको, वहाँ भी वही था, 102 रुपए 2 बंदे, 104 है ना। हाँ नहीं, 52 का एक होगा। कौन सा चौक? ये फर्स्ट, ये जो चौक बना हुआ पूरा, इसको बोलते हैं जलेब चौक। अच्छा। ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्क्वायर चौकोर। राजा की जो आर्मी होती थी उसका परेड ग्राउंड ये होता था। ठीक है, अब एंट्री के लिए यहाँ से दो गेट है, एक वो सामने आप गेट देखेंगे, एक लेफ्ट में गेट बना हुआ है। सामने जो गेट बना हुआ है उसको बोलते हैं मून गेट, सॉरी सन गेट, ये वाला सूरज पोल गेट। हाँ, सन गेट। ये लेफ्ट में बना हुआ है चांद पोल गेट, चांद पोल वाला। अच्छा, सन गेट राजा की रॉयल एंट्री के लिए, राजा की रॉयल एंट्री होती थी एलिफेंट से, हाथियों से, इसलिए सन गेट। मून गेट बना हुआ है कॉमन पब्लिक की एंट्री के लिए, कॉमन पब्लिक की कोई भी प्रॉब्लम होती थी राजा सोल्व करता था, तो कॉमन पब्लिक की एंट्री इसी गेट से होती थी। राजा जब आता था वहां पर देखिए आप दो रूम बने हुए हैं, वो ऊपर बना हुआ नौबत खाना। नौबत के अंदर 9 अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते थे, बजाते थे राजा का वेलकम करने के लिए, राजा की एंट्री के लिए वहीं से संदेश देते थे राजा आने वाले, इसलिए वो नौबत बजाई जाती थी। आज भी राजा हाथियों से आता था तो इसलिए आज भी एलिफेंट सफारी उसी गेट से होती है। अच्छा, आज भी आता है? आज भी एलिफेंट सफारी होती है, वो सामने आ रहे हैं। कौन से राजा है अभी? नहीं, जैसे नॉर्मल लोग भी, जो टूरिस्ट लोग भी है ना, वो भी एलिफेंट से आ सकते हैं। जयपुर के राजा है अभी सवाई पद्मनाभ सिंह। ठीक है, आइए सामने ऊपर में पैलेस का एंट्री गेट, लायन गेट। अब अंदर जाने के लिए देयर इज अ टू वे, फर्स्ट स्टेप सेकंड रैंप। स्टेप जो होती थी पुराने जमाने में राजा के लिए होती थी, रैंप होता था रानियों के लिए। अब देखिए आप सामने देख रहे हैं, हाँ, ये इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम? यस सर। अच्छा, जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है आम। पुराने जमाने में आम लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होती थी राजा ही सोल्व करता था, इसलिए दीवाने आम। कोई पुलिस स्टेशन वगैरह तो होते नहीं थे, राजा ही सबसे ऊंचा होता था। अच्छा, हर राजा के स्पेशल मिनिस्टर होते थे उस टाइप पे। अकबर के नवरत्न आपने सुना होगा, नवरत्न, अकबर के नवरत्न, नाइन जेम्स। यहाँ के जो राजा थे तानसेन, बीरबल, सुना होगा आपने, तो अकबर के नवरत्न थे। यहाँ के जो राजा थे जयसिंह जी, उनके 16 स्पेशल मिनिस्टर। अच्छा, 16 स्पेशल मिनिस्टर के लिए अंदर में मार्बल के पिलर, बाहर में सैंडस्टोन के। ठीक है, सैफ्रन सामने आप देख रहे हैं, सैफ्रन गार्डन, केसर बाग। अच्छा, साइड साइड में पानी जो है, सैफ्रन गार्डन इसलिए क्योंकि राजा ने वहां पे सैफ्रन का ट्राई किया, खेती करने का ट्राई किया, उसके लिए पूरा आर्टिफिशियल लेक बनवाया ताकि जो गार्डन का टेम्परेचर है वो ठंडा रहे, क्योंकि सैफ्रन जो है वो माइनस टेम्परेचर में, बर्फीले इलाकों में। और ये क्या यहाँ पे हमारे राजस्थान, ये क्या है जो चेयर्स लगी है यहाँ पर? वहाँ पे सामने चेयर्स लगी हुई है, शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है डेली। अच्छा, 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30, दो शो होते हैं, पहला इंग्लिश वाला, दूसरा हिंदी वाला, तार से बाउंड्री वाला है। ठीक है, ये बाउंड्री, ये आपने देखी लेक देखी, इसको बोलते हैं माउठा लेक। पैलेस का टेम्परेचर, जो गार्डन का टेम्परेचर है वो ठंडा रखने के लिए बनाई गई है, इसलिए बना हुआ है। भाई लोग अगर आना चाहते हैं तो वो सामने गार्डन है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये वाटर टैंक है पूरा। नीचे आग जलाई जाती थी दोनों तरफ लकड़ियां, आग जलने के बाद यहाँ पे पानी होता था, बॉइल होता था, पानी गर्म होने के बाद उस तरफ पे रानी के लिए बाथटब वगैरह, स्पा रूम वगैरह सब उसी तरह। अच्छा, तो ये पानी गर्म करने के लिए बना हुआ है, बहुत अच्छा जमाने का गीजर है।
यहाँ पे कोपर की प्लेट लगी हुई है, कोपर की प्लेट गर्म होती थी, हीट अब्सॉर्ब होने के बाद पानी गर्म। गार्डन खूबसूरती से जो गार्डन होता था वो गार्डन बना हुआ है। अब हम आ गए दीवाने खास के अंदर, राजा के जो स्पेशल गेस्ट होते थे वही अलाउ होते थे। हम अब यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ पैलेस देखेंगे, अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग पैलेस बने हुए। समर के सीजन के लिए समर पैलेस, विंटर के लिए विंटर पैलेस और मानसून के लिए मानसून पैलेस। अच्छा। ये पूरा पैलेस देख रहे हैं, मानसून पैलेस। मानसून के सीजन में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए पूरा पैलेस बना हुआ है लाइमस्टोन का, क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था, अंदर हो जाता था ड्राई सूखा, इसलिए इसको बोलते हैं सुख मंदिर। सर पूरा लाइमस्टोन का बना हुआ है। रानियाँ पर्दा पड़ता थी उस जमाने में, बाहर नहीं जा सकती थी, पर्दा वगैरह करती थी, तो रानियाँ मानसून का एंजॉय कैसे करें? मानसून का एंजॉय करने के लिए ओपन रूफ, ऊपर में देखिए सामने आप देख रहे हैं क्वींस व्हील चेयर, रानी की पालकी बनी हुई चंदन की लकड़ी की बनी हुई, क्योंकि रानियाँ हैवी ड्रेस हैवी ज्वेलरी पहनती थी, चल नहीं पाती थी, इसी के अंदर बैठकर जाती थी। रानी की पालकी बनी हुई चंदन की लकड़ी की, बीच में रानी बैठती थी, बीच में यहाँ पे रानी बैठती थी। This is emergency exit, खुफिया सुरंग। अच्छा। कभी पैलेस के अंदर अटैक होता था तो राजा और रानी इसी को यूज करते थे, अंडरग्राउंड कनेक्टेड है ऊपर जेगढ़ फोर्ट से, राजा रानी इसी के अंदर से जेगढ़ फोर्ट के अंदर एस्केप के लिए, तो वो दोनों सेफ हो जाते थे, इसलिए टनल बनी हुई है। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है अंडरग्राउंड, तो राजा और रानी यहीं से जाने के बाद सेफ हो जाते थे। इस महल का जो सबसे बेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है सर शीश महल, उसी के अंदर हम जा रहे हैं। शीश महल आप देख रहे हैं, इसमें जो आप शीशे ये देख रहे हैं सर बेल्जियम से मंगवाए गए थे, यूरोप से। अच्छा। ये सब कॉन्वेक्स मिरर हैं, इनके अंदर जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता था ये ब्लिंक करते थे तारों की तरह, तो यहाँ से दिन में तारे रात में तारे भी देख सकते थे, इसलिए ये शीश महल बना हुआ है। ओरिजिनल जो सॉन्ग है अब सामने आप देख रहे हैं, ये शीश महल है, ओरिजिनल शीश महल है। गाना शूट हुआ था जब प्यार किया तो डरना क्या, अंदर ही शूट हुआ था, मधुबाला ने जो डांस किया था, कुछ शॉट यहाँ पे शूट हुआ, फिर बाद में उसकी डमी वगैरह बना लिया गया, शॉट वगैरह बना लिया गया, तो वहाँ पे मुंबई के अंदर पूरा शूट हुआ, कुछ शूट यहाँ पे हुआ था। मानसिंह महल, मानसिंह जी की 12 वाइफ थी, 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियों के लिए अलग अलग बार अपार्टमेंट बने हुए यहाँ पे, जैसे एक अपार्टमेंट देख रहे हैं इसी तरीके से रानियों के बने हुए हैं। सब ये लेडीजों के अपार्टमेंट होते थे, बाहर का कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं होता था। तो ये आपको हमने एम्बर पैलेस दिखाया और हमारे साथ जो गाइड थे पूरा उन्होंने आपको जानकारी दी, तो अच्छा लगा होगा आपको, हमारे पीछे खड़े हैं जिन्होंने बताया, तो उन्होंने पूरे यहाँ के बारे में हिस्ट्री जो भी है वो पूरा बताया। तो चलिए हम यहाँ से अब निकलते हैं और अब लगता है हमको हम जाएंगे जल महल, तो वो आपको दिखाते हैं बाहर से।